के वर्मा, आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियर का, और जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर था आपका 3/2019। ठीक है, इसका जो एग्जाम हुआ है आपका आज की डेट में, ये एग्जाम हुआ है आपका 24th ऑफ मार्च। ठीक है, 24th ऑफ मार्च 2020 को ये एग्जाम हुआ है, जिसका हमने जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो पेपर है आपका GS3 आपका पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है इस पेपर में हमारा, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट है वी बेसिकली डिपेंड करती है एक चीज पर, उसका वर्ड एक वर्ड है, डिपेंड करती है किस पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ये डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ये बढ़ता है, तो इसके बढ़ने से स्पीड ऑफ लाइट पर क्या असर पड़ता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट वो क्या होती है, कम होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, जिसकी वजह से, अब देखिए, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, अब इसके लिए एक चीज़ होती है कि अगर जो कोई भी मटीरियल है, मटीरियल की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब डेंसनेस ज़्यादा होगी, ज़्यादा घना होगा, है ना, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में ज़्यादा कॉम्पैक्टेड होंगे, तो उसकी उतनी ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देखने को मिले, मतलब डेंसनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो जितना ज़्यादा डेंस उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा आपका, घटेगा आपका स्पीड ऑफ लाइट। ये एक सिंपल सा रिलेशन है इसके बीच में। ठीक है, तो देखिए, अब वाटर की डेंसिटी तो उतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, केरोसिन भी एक लिक्विड मटीरियल है। तो देखिए, यहाँ पर दो चीज़ों में कॉन्ट्रावर्स है, थोड़ा सा कॉन्ट्रावर्स है, तो ग्लास में भी होता है और डायमंड, बट अगर जो हम बात करें कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है ना, तो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होगा आपका डायमंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन है, ग्लास तो है हार्डेस्ट, बट उससे भी ज़्यादा हार्डेस्ट कौन सा है, डायमंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आती है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो स्पीड ऑफ लाइट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब वो आपको जानना जरूरी है। जैसे सबसे कम होता है वैक्यूम के अंदर, ठीक है, वैक्यूम, देन एयर, देन लिक्विड, देन लास्ट में होता है सॉलिड। तो जितने भी सॉलिड बॉडीज हैं उनके अंदर स्पीड ऑफ लाइट है सबसे कम। ठीक है, अब देखिए, स्पीड ऑफ लाइट तो सबसे कम होती है, बट जो सबसे सॉलिड मटेरियल है, मतलब डायमंड है या ग्लास है, जो ये सॉलिड मटेरियल है, इनके अंदर स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। साउंड की जो स्पीड है वो हाई देखने को मिलती है इन सॉलिड मटेरियल्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, हम सॉल्व कर रहे हैं बीपीएससी ए का पेपर 3/19 का। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, इसका एक्चुअली पूरा पार्ट नहीं है, अभी हम देखते हैं उसको, कोई नहीं, अभी इसको फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको अभी हम आगे देखते हैं, स्लाइड को नीचे करके थोड़ा सा। तो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन, जो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी है किस पर बेस्ड है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फेनोमेना है उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जब लाइट ट्रेवल करती है तो कौन सी चीज उसमें रहती है, वेलोसिटी, तीन चीजें हैं, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इनमें से कौन सी चीज चेंज होती है, कौन सी नहीं होती है। देखिए, आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी ऐसा चीज आए कि लाइट ट्रेवल हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब एयर टू वाटर में जा रही है या वाटर टू एयर में आ रही है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट, मतलब दो मीडियम्स बेसिकली इन्वॉल्व है, तो वहां पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी और वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, ये दोनों चीजें आपकी चेंज होंगी, बट जो कांस्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, नहीं, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज लिखा हुआ है ना, डू नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, मतलब इनमें ये पूछ रहा है कि कह रहा है कि सारी चीज़ें चेंज, कोई भी चेंज नहीं होती, ऐसा नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड में कह रहा है कि सारी चीज़ें सेम रहती हैं, नहीं। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होगी, हमने बात करी वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो रही है, बिल्कुल सही, फिर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू का, क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है बेसिकली, इसमें पूछा गया। देखिए,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी जो भी ईएम वेव्स होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईएम वेव्स, जितनी भी ईएम वेव्स होंगी ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं आपकी ये, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर नॉन मैकेनिकल है वो तो रहेंगे, ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो नॉन मैकेनिकल यहाँ है तो ये ऑप्शन भी आपका कट ही गया। तो अब इन दोनों में से देखना है अभी हमें आंसर कौन सा है हमारा। तो जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है उनको कोई मटीरियल मतलब उनको वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ना, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक। जैसे कि आपकी साउंड वेव होती है, सिस्मिक वेव होती है, वाटर वेव्स होती हैं, ये सारी क्या है मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ठीक है। अब इन सभी वेव्स को, जो साउंड वेव, सिस्मिक वेव और इन सब की हमने बात करी, इनको कि कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए, पास ऑन होने के लिए। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये हमने बात कर ली शुरुआत में कि क्या होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपोगेट करने के लिए, मूवमेंट के लिए। तो देखिए नॉन मैकेनिकल वेव्स विद इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मतलब इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं, डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, कुकिंग टेक्स प्लेस, कुकिंग जो है ज्यादा समय लेगी कहाँ पर, शिमला के अंदर, बिल्कुल। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है शिमला में, ठीक है। क्योंकि देखिए शिमला में इसलिए लेगी क्योंकि देखिए कुकिंग के साथ ना एक चीज टर्म रिलेटेड होती है बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है किसके साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, या फिर आप सिंपली प्रेशर के साथ बात कर ले। तो बॉइलिंग प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर के। अब देखिए ये जो हाई अल्टीट्यूड होते हैं, ये देखिए शिमला का हाई अल्टीट्यूड एरिया है, हाई अल्टीट्यूड एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उससे क्या है, जो कुकिंग करने में जो समय लगता है मतलब वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। भाई कोई चीज़ आप पका रहे हो तो उस बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो फटाफट पक जाएगा, है ना। तो जैसे सी लेवल पे या दिल्ली बेंगलुरु इन सभी जगहों पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको पकने में। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट लून, प्रोजेक्ट लून जो है ये एसोसिएटेड है किस चीज़ से, ये एक्चुअली एसोसिएटेड है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक है। और ये वायरलेस एस्टिमेशन सॉरी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक्चुअली इंटरनेट कनेक्टिविटी डेवलप करेगी कहाँ पर, रूरल और रिमोट एरियाज में, ताकि जो पूरा देश है वो थ्रू इंटरनेट कनेक्ट हो सके वर्ल्ड से, ठीक है। तो ये है आपका प्रोजेक्ट लून वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं, यहाँ पे सामने हमारे है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि फिंगरप्रिंट्स आर ऑब्जर्व बाय द यूज ऑफ, फिंगरप्रिंट किसको यूज करते बनाया गया है, मतलब किसमें किसका यूज होता है, इसमें यूज होता है माइक्रोस्कोप का। और माइक्रोस्कोप क्या करता है कि छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, एनलार्ज करके दिखाता है, जो हम जो आपकी हमारी नेकेड आईज हैं उनके थ्रू हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी। डिजिटल डाटा रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज, जो डिजिटल डाटा है 11th क्वेश्चन, डिजिटल डाटा ये एक्चुअली रिफर करता है इंफॉर्मेशन थ्रू डिस्क्रीट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये एक्चुअली डिस्क्रीट क्या है, डिस्क्रीट एक थ्योरी है, थ्योरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसे शॉर्ट में कहते हैं डिस्क्रीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल्स मे बी इन द रेंज ऑफ, जो सोलर सेल्स है उनकी जो एफिशिएंसी होती है उनकी रेंज होती है 10-15%। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर एब्जॉर्बिंग हीट इंजन, पावर एब्जॉर्बिंग हीट इंजन किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं हम, एयर कंप्रेशर को, ठीक है। और ये एयर कंप्रेशर आपका रेफ्रिजरेटर या आपका एसी, इन सभी जगहों में आपने देखा होगा इस्तेमाल होता है एयर कंप्रेशर, इसे एब्जॉर्बिंग हीट इंजन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स विद, ट्रांसफार्मर जो है वो किसके साथ काम करता है, एसी डीसी या दोनों के साथ या किसी सिग्नल के साथ, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर है आपका 12th नंबर का क्वेश्चन, ये एक्चुअली वर्क करता है अल्टरनेट करंट के साथ, ठीक है। किसके साथ करता है, एसी के साथ, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेट करंट, ठीक है। और ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उस पर ये वर्क करता है आपका। 13th क्वेश्चन है, रिलेवेंट वेव्स इन टेलीकम्युनिकेशन आर, जो टेलीकम्युनिकेशन का फील्ड होता है उसके अंदर जो वेव्स होते हैं, बेसिकली हम बात करें कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, टेली तो एक अलग चीज़ हो गया,
कम्युनिकेशन के लिए अगर जो हम बात करें कम्युनिकेशन वेव्स के बारे में, तो एक होती है इंफ्रारेड रेज आपकी कम्युनिकेशन वेव्स हैं, फिर माइक्रोवेव्स ऑल्सो द कम्युनिकेशन वेव्स, रेडियो वेव्स आर ऑल्सो द कम्युनिकेशन वेव्स। देखिए यहाँ पर क्या आ रही है, माइक्रोवेव्स टेली कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो है, बट हमें कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की ये तीन वेव्स होती हैं आपकी, तो उनमें से करेक्ट आंसर आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर बी माइक्रोवेव, 13 का माइक्रोवेव। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है 14 नंबर के क्वेश्चन में। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका एंड्रॉयड होते हैं, iOS होता है, विंडोज फोन OS, ठीक है, और सिम्बेनियन, ठीक। तो ये सारे क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए यहाँ पर क्या है, एंड्रॉयड है, iOS है, विंडोज फोन OS है, चारों हैं, मतलब ये चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिम्बियन ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका तो हो गया ए। देन 16 नंबर क्वेश्चन, जो 16 नंबर क्वेश्चन है, एक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, वो कौन कौन सी होती है, ठीक है, ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है। जैसे जैसे आपका ऑप्टिकल डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क, USB, फ्लैश ड्राइव, SSD, आपका HDD, या फ्लॉपी अदर ड्राइव्स, या RAM, DVD, CD, ये सारी क्या है आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस है, बेसिकली एग्जांपल्स हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है कि ऑप्टिकल डिवाइस, DVD, CD, ब्लू रे डिस्क भी मतलब एक CD की एक प्रकार होती थी, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क मतलब फ्लॉपी और ये सब चीज़ें, सॉलिड डिस्क आपका थंबनेल पेन, और ये वाले में थोड़ा सा डाउट है मुझे इस वाले ऑप्शन में, बट ये दोनों ऑप्शन तो आपके करेक्ट ही मैच होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे फ्लॉपी, मेमोरी स्टिक या हार्ड ड्राइव्स, ठीक है। तो देखिए तीन ऑप्शन आपके अप्रोप्रिएट आंसर्स लग रहे हैं, है ना। और फिर देखिए ऊपर वाले जो हमने ऑप्शन देखे उसके साथ में, ये देखिए मैकेनिकल डिस्क, DVD, CD, ये सारे ऑप्शन लग रहा है, मतलब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है जो आपके जो पार्ट है यहाँ पर, और ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें सारी चीज़ें आ रही हों, है ना, चार ऑप्शंस आपके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से वो रहना चाहिए ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, नन ऑफ द अबव नहीं होगा इसमें, मोर देन वन ऑफ द अबव, है ना, इनमें से एक से ज़्यादा, कई सारे चार ऑप्शन हमारे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहे हैं इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से इसमें। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका यहाँ के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कौन सा नहीं है, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा, देखिए ये जो आपका सेकेंडरी मेमोरी, देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क अभी हमने बात करी, ये वाला जो आपका 16 कौन सा क्वेश्चन था, आई थिंक 16 नंबर क्वेश्चन था ये वाला, है ना, यहाँ पर हमने बात करी कि जितने भी आपके हार्ड ड्राइव्स हैं, पेन ड्राइव या फ्लॉपीज, CD, DVD, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किसमें आ रही हैं आपकी, सेकेंडरी में या फिर ऑक्सिलरी स्टोरेज में। तो एक्चुअली स्टोरेज नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, CD है, फ्लॉपी है, HDD है, तो इसमें से ये कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, एक छोटी सी स्टोरेज है, मतलब जैसे आपका रैम या रोम होता है ना, ये उस टाइप की, ये सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती, ये इनिशियल मेमोरी होती है जो टेम्परेरी मेमोरी का काम करती है, जो कुछ देर के लिए रहती है, ठीक है, स्टोर करती है डाटा को, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, जो इसके अंदर नहीं फिट बैठता है। तो यहाँ पर जो मैच बन रहा है वो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है करेक्टली, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन द मेमोरी चिप इज वोलेटाइल। ठीक है, अगर जो मेमोरी चिप वोलेटाइल हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, किसका होगा, लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॉस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो उसने होल्ड की है, मतलब जो भी आपका मेमोरी चिप में आपका स्टोरेज है इन्फॉर्मेशन कोई सी भी, वो लॉस हो जाएगी। कब, व्हेन अ सडन पावर ऑफ हो जाए सिस्टम का, मतलब कंप्यूटर है, PC है आपका, जैसे सडन ऑफ हो जाए, तो कई बार क्या होता है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता है, कई बार पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी लॉस हो जाती है जो करेंटली चल रही होती है, तो उस तरीके की चीज़ को कहते हैं वोलेटाइल। जब चिप मेमोरी वोलेटाइल हो तो क्या होगा, लॉस ऑफ डाटा हो, लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ये सब नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है, थर्ड पॉइंट है, लॉस ऑफ कंटेंट ड्यू टू लॉस ऑफ करंट, करंट पावर चली गई उसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ कंटेंट रहेगा। तो इसका जो मैच बन रहा है यहाँ पर, मैच की हम बात करें अगर, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें ओनली थ्री स्टेटमेंट, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है, ठीक है, बाकी स्टेटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं बन रही हमारी, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है तो पूरे पेज पे आ नहीं रहा, फिर मैं थोड़ा सा स्लाइड करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ 18 नंबर क्वेश्चन, 17 के बाद 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कॉमन डाटा एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में जो एक क्रोनोलॉजिकल आपको बताना है कौन सा क्या बैठता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका कैरेक्टर, ठीक है, देन फील्ड आता है, देन रिकॉर्ड्स आते हैं, देन फाइल आती है, देन लास्ट में डाटाबेस आता है, ठीक है। तो ध्यान देखिए कहां पर बन रहा है, कैरेक्टर फील्ड नहीं, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, कैरेक्टर के बाद फील्ड उठाइए, कैरेक्टर फील्ड देन रिकॉर्ड फाइल डाटा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर, है ना। अब देखिए इसमें नीचे कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बना हुआ है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही बन रहा था, ठीक है। तो ये देखिए ये है ना डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ओनली थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है ना, तो थर्ड स्टेटमेंट ही हमारी क्या इकलौती सही स्टेटमेंट है, बाकी स्टेटमेंट्स गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए किसको बनाया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर, 19 का सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, 21 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र से संबंधित है स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब अगर जो लोकतंत्र में कुछ विवाद हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए मास मोबिलाइजेशन का जो होता है ना कि आप सड़कों पर निकल आइए, विद्रोह करना चालू कर दिए, ये ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, बाकी स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस ऑफ टू अ सिस्टम, एक्सटर्नल मतलब कोई आपके सिस्टम में घुस के कोई वायरस या मतलब कोई भी ताक झांक ना कर सके, इसके लिए जो सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर होता है वो होता है आपका फायरवॉल, तो 20th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फायरवॉल। देन यहाँ पर 22 को नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि नेपाल ने विटनेस किया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट, एक बहुत बड़ा आंदोलन चला नेपाल के अंदर, वो कब हुआ था, वो हुआ था अप्रैल 2006 में। ये क्यों हुआ था, ये एक्चुअली आंदोलन था कि जो वहाँ पर जो एक राजा तंत्र चल रहा था ना, मतलब किंग सिस्टम चल रहा था, तो उस किंग सिस्टम को हटाकर डेमोक्रेसी को स्थापित करने के, डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए एक विशाल बड़ा आंदोलन चला नेपाल के अंदर अप्रैल 2006 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, द हाईएस्ट अर्थ फिल डैम इन इंडिया वो है तेहरी डैम, आपको पता ही है हाईएस्ट अर्थ फिल डैम है तेहरी डैम, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है, और उत्तराखंड में कौन सी रिवर के किनारे, भागीरथी रिवर के किनारे है ये, ठीक है, अर्थन डैम है ये, तेहरी डैम। 26 नंबर क्वेश्चन सामने ही है, द पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इंडिया में किसने स्थापित किया, वो थे रॉबर्ट क्लाइव के दौरान शासन टाइम पीरियड में, मतलब 1757 है ना, 1857 की जो लड़ाई उससे लगभग 100 साल पहले, तो उन्होंने इस टाइम पर यह ब्रिटिश रूल को भारत में स्थापित किया, और इनके टाइम पर एक इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई थी, फेमस लड़ाई, जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी इनके टाइम पर देखने को मिली थी, ठीक है। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कमांडर ऑफ द मिलिट्री इन इंडिया, भारत के अंदर सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति, तो तीनों सेनाओं के, मतलब जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, ठीक है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं के जो है चीफ होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कमांडर होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं इन्हें। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, एजुकेशन टू ऑल, इसके लिए जो कौन सा आर्टिकल कहता है, बात करता है, वो बात करता है आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 45 आता है, ये सारे जितने भी आर्टिकल है ना डीपीएसपी के अंदर आते हैं, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हमने कहाँ से लिया था, आयरलैंड से लिया है। अब देखिए ये बात करता है कि जितने भी आपके बच्चे हैं 14 साल तक के बच्चे, उनको सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, बट इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 21A, ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, अगर जो होता तो हम उसको भी लेते हैं, है ना, बट यहाँ पर इन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 नंबर आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक अदालत इज अ, लोक अदालत एक्चुअली क्या होती है,
ठीक है, ये पूछा गया है। तो लोक अदालत क्या होती है? ये एक ऐसी अदालत है जो सेटल करती है डिस्प्यूट्स को थ्रू कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट। ठीक है, मतलब जो कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सेटल, मतलब जो पेंडिंग केसेस होते हैं बेसिकली, उनको क्या करती है, सेटल कर देती है, निपटा देती है जल्दी से। ठीक है, उसका टाइम के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ ठीक है, बट टाइम रहता है, बट उसका मेन वर्क ये है कि कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट करवाना। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लोक अदालत, ऑप्शन नंबर ए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? सभी को पता होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक, ये बुक लिखी थी इन्होंने, कब लिखी थी ये, लिखी थी इन्होंने 1776 के अंदर, 1776 के अंदर। उस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से वो बुक थी। ठीक है, और एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमी। बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमी के क्या होते हैं? 29th क्वेश्चन है हमारा। तो बेसिक फीचर होते हैं, देखिए वैसे तो कई सारे अलग फीचर्स होते हैं, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्रोडक्शन, मतलब क्या प्रोड्यूस किया। नहीं, ये वाला नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रोडक्शन, क्या प्रोड्यूस किया, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, उसे किसने कंज्यूम किया, है ना। भाई देखिए भाई, जो आप बना रहे हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसमें कंजप्शन होना चाहिए ना भाई। खत्म होगा तभी तो दोबारा से आप प्रोड्यूस करोगे, आपने बना के भेज दिया, आगे वो कंज्यूम ही नहीं हो रहा है तो फिर कहाँ जाएगा वो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये लेबर और इनकम से कोई मतलब नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन है जो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। अब देखिए केमिकल चेंज किसके अंदर होते हैं, देखिए अभी अगर जो मैं कुछ बात करूँ, जैसे कुकिंग ऑफ फूड है, कुछ खाने बना रहे हैं हम, कुकिंग ऑफ फूड, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाना आप खा चुके हैं तो पेट के अंदर जो डाइजेशन होता है वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज है। ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारी चीज़ें क्या है, एक केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए कुकिंग ऑफ फूड और डाइजेशन है, तो मतलब वन और टू जो जहाँ पर होगा ऑप्शन में वो आपके करेक्ट आंसर रहेंगे। फ्रीजिंग या आपका फिजिकल चेंज है, मतलब बर्फ था वो पानी बन गया, वाटर था वो हीट अप होकर वेपर्स बन गया, तो मतलब एक फिजिकल चेंज हुआ, उसमें केमिकल चेंज नहीं हुआ, उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, केमिकली उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पर जो हमारा मैच क्या बनता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। जस्ट मिनट, हाँ जी, देखिए यहाँ पर देखिए वन और टू है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इसमें वन और टू स्टेटमेंट जो है, डाइजेशन ऑफ फूड और जो आपका था क्या था फर्स्ट ऑप्शन, कुकिंग ऑफ फूड, है ना, ये दोनों ऑप्शंस जो है करेक्ट हैं, केमिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर भी हम सामने ही देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन एक मिसिंग है, थोड़ा सा इसको स्लाइड आउट करते हैं। ओके चलिए, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में 30th क्वेश्चन, द नर्चरिंग फील्ड ऑफ सोसाइटी। नर्चरिंग मतलब अगर जो सोसाइटी को आपको बहुत अच्छे से बनाना है, मतलब एक ग्रोथ बनानी, एक पॉजिटिव ग्रोथ लानी है अगर जो सोसाइटी के अंदर, है ना, हर तरीके की ग्रोथ होनी चाहिए, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, हर तरीके का, मतलब एक अच्छा एक ग्रोथ हो सोसाइटी में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूलिंग। सोसाइटी नहीं है भैया, स्कूलिंग है। ठीक है, अब स्कूलिंग अब हर बच्चे को दोगे तो उसको नॉलेज होगी चीज़ों की, वो सही गलत को आंक सकता है, अच्छा बढ़ सकता है, अपने जीवन में अच्छा कर सकता है ना। तो उसके लिए नर्चर, मतलब सोसाइटी को अच्छे से नर्चर करना है, पालना पोसना है, तो स्कूलिंग इज द मस्ट। ठीक, ओके चलिए फिर देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट नीचे, तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाइड्रोजन जो बॉम्ब है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड। न्यूक्लियर फ्यूजन पे हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा वो हो गया, ऊपर हो गया, चलिए इसे नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सोप मॉलिक्यूल, जो सोप मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है, इसका बिहेवियर होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है इसके अंदर, हाइड्रोफिलिक, देखिए हाइड्रोफिलिक कहाँ है, फोबिक तो हटा दीजिए पहले, तो हाइड्रोफिलिक हेड होगा प्लस साथ में हाइड्रोफिलिक टेल नहीं होता है, यहाँ पर होता है हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 33 का। चलिए फिर देखिए 34th क्वेश्चन, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सारी क्या है आपकी, पर फ्लोरोकार्बन। ठीक है, पर फ्लोरोकार्बन, ये सारी क्या है,
आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो देखिए मीथेन, हाँ ये भी नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है आपकी, ठीक है, ओजोन है, तो हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 34th का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट 36 देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एक एसिड का सॉल्यूशन है जब उसे मिक्स कर दिया जाए बेस के सॉल्यूशन के साथ एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब जो होता है आपने स्कूल्स में देखा होगा, स्कूल्स या ग्रेजुएशन के टाइम पे कॉलेजेस में, तो जब एक एसिड को और एक बेस को मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलती है, मतलब एसिड भी आ रहा है, देखिए इधर से एसिड आ रहा है, इधर से बेस आ रहा है, तो बीच में जाएगा और न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी, एक दूसरे को खत्म कर देंगे और न्यूट्रल कंडीशन हो जाती है। अब देखिए जो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ जो चीज़ें लिखी गई हैं, तो इसमें होता है कि जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का वो क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट जो नमक होता है ना, मतलब NaCl या और भी कोई दूसरे टाइप का जो सॉल्ट है वो देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, बिल्कुल जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, सेकंड पॉइंट बेसिकली नॉट ऑप्शन, सेकंड पॉइंट जो है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाता है, सॉल्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है बिल्कुल सही। तो बाकी चीज़ें में गलत है ये दोनों, फर्स्ट एंड थर्ड, तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अभी हम देख लेते हैं क्या नीचे मैच में पड़ा हुआ है यहाँ पे, हाँ देखिए ये है ना ऑप्शन नंबर डी, टू और सेकंड और थर्ड फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो दोनों सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन हमारा रह गया था 35, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है, सिल्वर इज सॉरी एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट इज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ब्लू ड्यू टू। अब देखिए क्या होता है, जो सिल्वर क्लोराइड है मतलब आपका सिल्वर होता है Ag, है ना, AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाए लंबे समय तक तो सिल्वर आपका अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस जो है आपकी अलग से निकल जाएगी, यहाँ पे दो रख दीजिए, मॉलिक्यूल बैलेंस हो गया, तो इस तरीके से होता है। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, सिल्वर मिल गया आपको बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, है ना, तो सिल्वर क्लोराइड से आपको सिल्वर मिल जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा आई थिंक वो रहेगा फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऐसा नहीं, और डिकम्पोजिशन कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये सब नहीं होता, और आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी। देखिए ऑप्शन बन रहा है, तो इसके लिए हम जरा थोड़ा सा स्लाइड को नीचे करते हैं, नहीं नहीं सॉरी सॉरी ये वाला ऑप्शन भी है ना, ओके 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 सॉरी सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत है, नहीं नहीं ये वाला सही होगा, नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, कहाँ बोल रहा हूँ मैं अभी यार, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। फाइनली जो हमारा इस 35 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो एक्चुअली मैंने ये ऑप्शन देखा ना डी लगा, वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मेरे को, ऐसा कैसे हुआ, फिर थोड़ा क्लियर हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन जो आपका 35 है, 35 क्वेश्चन कर रहे थे हम, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें सिल्वर का फॉर्मेशन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से। सिल्वर क्लोराइड क्या हो रहा था, देखिए AgCl2 था, AgCl था है ना, ये अब सनलाइट हुआ तो Ag सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, डिकम्पोज हो गया है ना, टूट गया, ब्रेक होके सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए 35 का, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बीच में, ओके फॉरगेट अबाउट दैट, बट द करेक्ट आंसर इज 35, ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है ना, कई बार आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आंसर बता रहे हो, तो वो जो टिक लगा होता है ना, तो वो कई बार दिमाग में हैवी हो जाता है कि वही वाला आंसर है और आप जो बता रहे हो वो गलत है, वो एक्चुअली बच्चे ने किसी ने लगाया हुआ है ना। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सॉरी इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो देखिए सबसे स्ट्रेंथ में सबसे कम स्ट्रेंथ होती है पानी की, देन वी हैव व्हाट एसिटिक एसिड एंड देन वी हैव HCl, सबसे ज्यादा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके वो एसिडिक मटेरियल होता है, सबसे कम आपका पानी होता है। कौन सा मैच बन रहा है भाई, एसिडिक एसिड, देखिए सबसे कम वाला आपका कौन सा है, वाटर है, एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही बन रहा है, बाकी सब में तो कोई मैचिंग नहीं आ रही, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा यहाँ, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि बच्चे ने ए ही लगाया, ऐसा नहीं कि मैं अभी लगा रहा हूँ बच्चे को देखकर, करेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर रहेगा, वाटर, एसिडिक एसिड, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, टोमेटो के अंदर कौन सा सोर्स होता है, बेसिकली उसके अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सैलिक एसिड देखने को मिलता है, और जो यहाँ पर एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड विनेगर, सिरका के अंदर सिट्रिक एसिड आपका लेमन ऑरेंज इन सभी जगह देखने को मिलता है, और टार्ट्रिक एसिड भी आपको एप्पल्स में, पाइन एप्पल, पियर इन सभी जगह देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सैलिक एसिड,
पीएच ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज है वो क्या होता है। अब देखिए यहाँ पीएच रेंज जो होता है हमारी बॉडी का वो होता है 7.35 से 7.45, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा इनमें से कोई भी रेंज फिट नहीं हो रही, क्योंकि देखिए पॉइंट मार यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ 8 में और समथिंग समथिंग में, तो कोई भी फिट नहीं हो रही। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, मोर वाला नहीं रहेगा यहाँ पर, बट हाँ ठीक है, बट हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, सॉरी पीएच है, वो इस रेंज में वैरी रहता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी इस रेंज में फिट नहीं बैठ रहा है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, इनॉग्रेट किया है इंडिया का सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे ऊंचाई पर एक मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन्होंने बनाया। देखिए हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में, और बहुत सारी जगह पुणे में और हर स्टेट में मोस्टली जो है आपको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सेंटर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी रिसेंटली जो है आईएमडी ने सबसे ऊंचाई पर अपना आईएमडी का एक सेंटर बनाया है, वो कहाँ बनाया है, वो बनाया है लेह में, ठीक है। अब देखिए लेह में बनाया है, अगर ये क्वेश्चन 2019 से पहले आता है ना, तो शायद आप जम्मू कश्मीर इसको टिक करते, क्योंकि वो कंबाइंड था, ठीक है। तो अब करंट टाइम पर लेह किसके अंदर आता है, लद्दाख के अंदर। लद्दाख क्या है आपका, आपको यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, ठीक है, उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है लेह, वहां पर ये बनाया गया। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लेह में, ठीक है, सिक्किम लगाया हुआ बच्चे ने वो नहीं है, ठीक है। 42 क्वेश्चन नंबर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख लेह में है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इजिली नोटिसेबल स्मेल, जो गैस होती है ना कि एलपीजी गैस घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो स्मेल आती है ना हमें, वो किसकी वजह से आती है, अजीब सी जब लीक होती है तो अजीब सी स्मेल आती है ना, वो आती है किसकी वजह से, वो आती है इथाइल मरकैप्टन की वजह से, इथाइल मरकैप्टन की वजह से, इथाइल मरकैप्टन गैस होती है उसकी वजह से। देखिए इथेनॉल, मिथेनॉल, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, इथाइल मरकैप्टन इज द करेक्ट आंसर, बट यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो 40 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सॉरी ई, ठीक है, 40 का ई है आंसर। 43, विच वन इज द फर्स्ट, कौन सी वो पहली कंट्री है जिसने जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन है कोविड 19 की, उसको मंजूरी दी थी, ठीक है, अपने देश में, मतलब कि वो अपने जो सिटीजन्स है वहां पर वो लगा सकते हैं, ठीक है। 43rd क्वेश्चन, तो उसको दिया था इंग्लैंड ने, ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जापान, इंडिया ने नहीं दिया था, भाई साहब बच्चे जिसने लगाया है इंडिया ने, इंडिया में तो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी अपनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इनको मिली थी पहले, तो बाद में ही सब आई है ना, तो सबसे पहले इसको मंजूरी देने वाला कंट्री था इंग्लैंड, ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाय 2023, 2023 अगले साल तक, कौन से स्टेट ने ये लॉन्च करना चाह रही है, वो लॉन्च करना चाह रही है मध्य प्रदेश सरकार, बिल्कुल सही लगाया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर, ओमकारेश्वर डैम में, ओमकारेश्वर डैम पर, और ओमकारेश्वर डैम कहाँ पर है, रिवर, रिवर जो आपकी नर्मदा रिवर है उसके किनारे, और नर्मदा रिवर आपकी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है। 41 का ऑप्शन नंबर डी। 44, इंडिया फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है, मणिपुर के अंदर, सही ऑप्शन लगाया बच्चे ने, मणिपुर के अंदर ये खोली गई है, मणिपुर में इम्फाल में, इम्फाल में, ठीक है। 44th क्वेश्चन बी ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट वॉज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड, 2021 के अंदर का सवाल है एक्चुअली, करंट अफेयर का। तो 2021 में जो कोविड चल रहा था, तो उस टाइम पर जो लंदन के, यूके के, यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को आना था, तो उन्होंने अपनी जो ट्रिप है वो कैंसिल कर दी थी, आना कैंसिल कर दिया था कोविड 19 की वजह से इंडिया में। तो उसकी जगह कौन आया था, वो आए थे सुराई नेम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे फ्लाइंग पास्ट में, सबसे पहली जो महिला रही वो कौन थी, वो थी भावना कांत, ठीक है, भावना कांत। और इनके साथ एक और नाम है शिवांगी सिंह, ठीक है, ये पहली वुमेन फाइटर, जेट फाइटर पायलट हैं जिन्होंने राफेल जो फाइटर जेट है हमारा उसको उड़ाया है, ठीक है, तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस ये कहाँ शुरू हुई, चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है, इंडिया की पहली एयर टैक्सी सर्विस आपकी चंडीगढ़ के में शुरू हुई, जो कि इसलिए शुरू हुई ताकि वो कनेक्टिविटी बना सके दूसरी जगहों में, मतलब अदर पार्ट ऑफ द कंट्री से उसकी कनेक्टिविटी अच्छे से बन सके। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, हाउ मेनी रॉकेट्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स एजेंसी इन अ सिंगल रॉकेट, एक सिंगल जगह से,
वो एक रिकॉर्ड था, 143 स्पेस रॉकेट्स उन्होंने लॉन्च किए थे। ठीक है, करेक्ट आंसर है 143, जिसके स्पेसएक्स के ओनर कौन है, एलन मस्क। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द विच वन कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द, देखिए भारत ने दो कौन कौन सी इनिशियली दो वैक्सीन बनाई थी, एक तो कोविशील्ड, ठीक है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट SII हम लिखते हैं शॉर्ट में उसे, और एक थी आपकी कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसे बनाया था भारत बायोटेक ने, ठीक है। तो ये जो भारत की वैक्सीन थी COVID-19 के विरुद्ध जो हमने बनाई भारत ने, तो ये किस देश को सबसे पहली डोज जो है, मतलब जो सबसे पहले हमने किन देश को ये एक्सपोर्ट करी, ठीक है। तो हमारे देश की सबसे पहली एक पॉलिसी है कि नेबर फर्स्ट, पड़ोसी पहला, है ना, गुजराती में एक कहावत है कि सगो सबसे पहला सगा जो है होता है वो कौन होता है, पड़ोसी होता है। तो वही है, सबसे पहले जो हम किसको देंगे, अपने पड़ोसी को, तो ये सारे हमारे पड़ोसी हैं, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले दिया गया था इसे भूटान को, ठीक है। अब देखिए इसमें छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी है, लिटिल बिट, हो सकता है आपका जो बोर्ड है BPSC आयोग जो सुकली, वो आंसर आयोग जो है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लेता है। देखिए ये जो भेजा गया था सबसे पहले भूटान को, ठीक है, भूटान को, और जिस दिन ये भूटान को भेजा गया, मतलब वैक्सीन का कंसाइनमेंट, उसी दिन सेम डे पे मालदीव्स को भी भेजा गया, है ना। तो मेरे ख्याल से तो ये दोनों ऑप्शंस हैं आपके, क्योंकि देखिए दोनों एक ही दिन भेजे गए, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई डेज का भी वेरिएशन है कि मतलब एक 11 तारीख को भेजा गया, एक 12 तारीख को भेजा गया, डेट भी सेम, दोनों की सेम है, ईयर भी सेम है। तो ये दोनों का हो सकता है कि कौन सा ऑप्शन वो ले, बट मेरे ख्याल से अगर जो ये दोनों ही सही हैं ऑप्शन, भूटान और मालदीव को ही सबसे पहले खेप भेजी गई थी, तो करेक्ट आंसर इसका रहना चाहिए ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ द अबव, है ना, क्योंकि दोनों में दोनों ही दोस्तों को भेजा गया है ना। तो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से 47 का रहेगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो बैंगलोर में है, उसने साइन किया एक MOU, इसके अंदर वो बनाएगा बायोमास गैस्ट्रिफिकेशन बेस्ड हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। ये किसके साथ मिलकर काम करेंगे, ये काम करेगा मिलकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, ठीक है, जो भारत की एक तेल ऑयल कंपनी है बेसिकली, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसके साथ में, और ये अग्रीमेंट किया गया था 29th अक्टूबर को ये किया गया था 2021 में, ठीक है ना, 21 में किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है सच, फॉरगेट अबाउट दैट। तो 50th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये थे आपके जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम आपका चल रहा है अभी, आई थिंक आज पहला एग्जाम हुआ, अभी 2-3 दिन और बाकी है। तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था, आई थिंक ये 2003-2019 का जो GS का पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर, पेपर 3, ठीक है, जो आपकी मेरिट लिस्ट में बनने में इस पेपर का योगदान रहेगा। इससे पहले आपने हिंदी का पेपर दिया और इंग्लिश का एग्जाम दिया है, तो वो दोनों क्वालिफाइंग एग्जाम हैं, उसमें मेरिट पे कोई खास नहीं रहेगा फर्क, बट GS से और फिर बाकी आपके जो आपका जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है, देन आपके रिलेवेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिसका भी आप पेपर दे रहे हैं, उससे संबंधित रहेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके, मैंने कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चंस आपको सही बताऊं, है ना, मेरी एक्यूरेसी लगभग 99.9% होगी, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन कोई अप एंड डाउन में भी हो जाए, बट 99% की एक्यूरेसी के साथ मैंने आपको सॉल्व किया है इस क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो आपके लिए बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके साथ अपना चैनल को सब्सक्राइब और शेयर आउट करें, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और सॉल्यूशन पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।